बुधवार व्रत की विधि। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। वह व्यक्ति किसी प्रकार ना माना और हट मर्दी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। तू कौन है जो मेरी पत्नी के नजदीक बैठा हुआ है? यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसको ससुराल से विदा करा के ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत ही रह गई, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? हे परमेश्वर, यह क्या लीला है? यहाँ तो सच्चा ही झूठा हो गया है। तभी आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुमने गमन नहीं करना था, मगर तुमने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्ध भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव भगवान से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है तथा सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता। उसको सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा करने वाले व्यक्ति को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात अथवा दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप बेल और पत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, बीच में ही नहीं जाना चाहिए।